बताते हैं। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानों को दी गई राशि से करने थे विकास प्रधानों को, मगर कुछ प्रधान ने तो विकास कार्य, मगर एक प्रधान ऐसे भी जिन्होंने अपना विकास तो कर लिया मगर गाँव का सत्यनाश कर दिया। जी हाँ, हम बात करें छाता तहसील के गांव अहूरी की, जहां देखकर लगता है ये किसी पिछड़े जाति का गांव है। इस गांव में ना तो अभी तक शौचालय बना और ना ही किसी नाली का खंजरा का निर्माण हुआ, ना ही किसी गरीब को आवास मिला है। मीडिया से बात करते हुए बताया कि गांव प्रधान किशन सिंह के द्वारा गाँव के लोगों से शौचालय के नाम पर प्रधान द्वारा पैसे वसूल की जाती है। जब लोग मना करते हैं तो उनके साथ अभद्रता करने से नहीं चूकते हैं ग्राम प्रधान। जब हमारी टीम गाँव में आई तो वहाँ की महिलाओं और पुरुषों ने अपना दुख बयां किया। टीम से बात करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि गांव प्रधान के द्वारा शौचालय के नाम पर 2000 रुपये की मांग की गई। ग्रामीणों ने पैसा भी दे दिया, शौचालय तो बन गया मगर शौचालय के 12000 का अनुदान अभी तक नहीं मिला है। मीडिया से बात करते हुए एक महिला ने बताया कि उसका शौचालय अभी बना है और कुछ दिन पूर्व जब महिला शौचालय में शौच कर रही थी तभी शौचालय महिला के ऊपर गिर गया। शौचालय गिरने से महिला घायल हो गई। वहीं एक विकलांग ने बताया कि उसका शौचालय तो बन गया मगर टैंक आज तक नहीं बना। गाँव में गंदगी के ये हालात हैं कि लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं है। गंदगी से गांव के लोगों में बीमारियां फैल रही है। गांव में पानी की बात करें तो सारे नाल खराब है और महिलाओं को 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। एक कहावत है, बाढ़ में जाए जनता अपना काम बनता है। यह कहावत प्रधान किशन सिंह पर चित्रार्थ हो रही है क्योंकि इतना होने के बावजूद भी जब गाँव के लोगों ने प्रशासन को कई बार शिकायत की मगर उसके बावजूद भी ना तो सरकार और ना ही प्रशासन का ध्यान है प्रधान जी पर गया। इस प्रधान के कार्यालय को देख के लगता है प्रशासन की इस ओर आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। लोगों का विरोध चरम सीमा पर है मगर करे तो क्या करे, ना अधिकारी सुनते और ना ही सरकारी सुनते हैं। मजबूरी में यह लोग इस नर्क में रहने के लिए मजबूर हैं। यह होगा कि सरकार इस गांव पर कब नजर डालेगी और कब इस गांव की दिशा सुधरेगी। कछु दे दे ना मकान आ तो रे बेकार का कर रही है सरकार कछु ना कर रही है। ए क्या नाम है आपका? हम दब गए मार राम। अच्छा कौन सा गांव है? अहूरी। अच्छा ये क्या समस्या आपकी? हमारे मकान ना लैट्रिन बनी है, भू गिर गई, हमारी गाय दब गई। अच्छा कितने समय पहले बनी थी आपकी लैट्रिन? हमारी वैसी बनी है माह के फागुन के ऐसे महीना में। अच्छा तो इतनी जल्दी गिर भी गई? हाँ गिर गई और ऐसी बनाई कि नहीं है दही है गरीब घरवाए का हाथ मकान इतना बार और लग गए हमारे हाथ पावन में। अच्छा क्या मामला है आपका? मामला ये कल किया ही हमारे यहाँ खेत है, खेत हर साल में अगर जाता गांव से भी कहते हैं हम जो कह रहे हैं यहाँ के नाली निकाल लो, उन्हें नाली निकलवा दो, नाली की कहते हैं अरे तुम हमारे खेत खेत तो आ गया हमारे खेत में के निकाल के कहते हैं। हम जो कह रहे हैं हमारे सारे हैं कि निकालो खेतों तो हमारे नाप के निकाल फालतू हो तो देखो खूब खेत में के निकाल। कौन कहता है इन बातों को? प्रधान जी कहते हैं। हम कहते हैं तो बिनते अरे यहाँ की नाली क्यों ना नाली गई कोई कितने ना खूब मूड मार तुम्हारे। क्या नाम है आपके प्रधान जी का? किशन सिंह। रुपये मांग रहे हैं प्रधान, साइन करेंगे जब हमें पैसे दे 2000 रुपये जब साइन करेंगे। अच्छा साइन करने के 2000 रुपये आपसे मांगे जा रहे हैं? चेक पे। अच्छा और क्या सोचा ये आवास कितने बने हैं आपके यहाँ, कितने शौचालय बने हैं? आवास कोई नहीं बना है। आवास अभी तक कोई भी नहीं, कोई नहीं बना है आवास। तो इस संबंध में आपने किसी अधिकारी को कहा जी हमारे यहाँ पे आवास नहीं है? तो ये हमने खूब शिकायत की है आवास की, मैंने कर दी कृष्ण गोपाल ने, नहीं आवास तुम्हारे गाँव में आवास नहीं बनेगा। मेरा नाम सरदार है। अच्छा कौन सा गांव है? अहूरी। अच्छा क्या समस्या है आपको? समस्या ये था मैं तो खंजा में आएगा ना ट्रेन मुलाटरिंग दो निकल बोर्ड दे अभी नहीं मिलेंगे ना बंद है ना। क्या नाम है प्रधान का? किशन सिंह। अच्छा क्या बोलते हैं आपको? किशन प्रधान नहीं बोलते क्या है आपको? अगर शौचालय के लिए आप बात करते हैं तो उसके लिए आपको क्या बोला? नहीं सर हम ना बनवा दें पैसे पैसा दे। कितने पैसे मांगे आप? 6000 रुपया। 6000 रुपये आपसे मांगे? हाँ। के मतलब 6000 रुपये आप दो? हाँ जब पीछे वो आ रहा हूँ तुम्हारा वो कहा कहते हैं वो चाय को जब पैसा मिलेंगे तुम्हें। अच्छा हाँ तो आपने 6000 उनको दे दिए? ना दिए साहब। अच्छा देखा यूट्यूब पर खामा खाम पानी लाया आगे ले तुम चला झटका दे दे कि जब पानी निकल रहे हो आगे। क्या नाम है आपका? विश्वेंद्र। कौन सा गाँव है? अहूरी। अच्छा क्या है ये हेडपम्प का मामला? ये हेडपम्प में 2 साल से पानी नहीं है, प्रधान से काफी शिकायत की है बनवाया नहीं। अच्छा प्रधान से शिकायत करने के बाद भी अभी तक प्रधान ने कोई कार्रवाई नहीं और की? कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा आपने इसके संबंध में कहीं और शिकायत की किसी अधिकारी को या किसी को? सीएम हेल्पलाइन को की, मंगल दिवस लगाई, ब्लॉक भी गए, काफी जगह गए, कोई सुनवाई नहीं। बस ऐसी सेट देनी।
अच्छा क्या समस्या आपकी? समस्या ये साहब, हमारी लैट्रिन बनी थी शौचालय, अच्छा उसके लिए ग्राम प्रधान दोयापा मांगे थे हमसे। अच्छा दोयापा हमने दिए इनको और लैट्रिन पैसे नहीं आए, चेक नहीं आया उसका। अच्छा अभी 2000 देने के बाद भी अभी तक पैसे नहीं? नहीं, एक 6000 चेक आया उसके बाद नहीं आया। अच्छा किसने पैसे मांगे थे? पैसे लिए थे ग्राम प्रधान में मांगे थे और लीले दूध जान पैसे लिए थे हमसे। अच्छा मांगे किसके द्वारा गए? लीले दूध के द्वारा। अच्छा तो कितने पैसे आपने उन्हें दिए? 2000। अच्छा शौचालय किसके नाम से बना था आपका, किसके नाम से पास हुआ था? सहतो नाम से, मम्मी नाम से। अच्छा तो क्या नाम है आपके ग्राम प्रधान का? ये किशन सिंह। किशन सिंह, और भी कोई? और कोई समस्या नहीं। क्या नाम है आपका? पप्पू। कौन सा गांव है? अवरी। अच्छा क्या समस्या है आपको? समस्या सर शौचालय की थी, हम प्रधान के पास गए, प्रधान जी से बोले हमने प्रधान जी में शौचालय बनवाना है। प्रधान जी बोले शौचालय तो बन जाएगी मगर खर्चा देना पड़ेगा, ऊपर अधिकारी को भी पैसा देना पड़ता है हमको। हमने कहा प्रधान जी कितने पैसे देने? प्रधान जी बोले 2000 रुपये देने। तो मैंने प्रधान जी पैसा बाद में देने पहले देने हमको? वो बोले आधे 1000 रुपये अभी चाहिए काम चालू होने से पहले और 1000 रुपये बाद में दे देना। तो हम पैसे पैसा लेने आए, हमने पैसा दे दिया, 50 रुपये ये नाम लिखे इनके अलग से लग गया मान के, ये तो हमको देने पड़ते ऊपर से आदेश हैं ये, और चेक हमारा मिल नहीं रहा है। जाते हमसे बोल देते हैं मान के मिल जाएंगे, कभी मिल जाएंगे, फिर बोलते हैं आपने वोट नहीं दी थी, फलाना नहीं किया था, नल की भी कही हमने नल खराब पड़ा हुआ है, हमारा सार्वजनिक नल है, पानी की समस्या है, 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, बहुत परेशानी आ रही, रास्ता है नहीं, बारिश हो रही, कच्ची रास्ता से पानी लाना पड़ता है, खरंजा काम नहीं हो रहा है, टंकी 2013 में बनी हुई है सर, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा ये जो आपने फिर उनको 2000 रुपये दे दिए? हाँ जी 2000 रुपये नकद दे दिए सर, उनने हम घर बुलाए, घर पे अपने पैसे ले लिए उनने। और उसके बाद आपको कोई चेक आए फिर? कोई चेक नहीं आया सर, हमने उनसे भी कहा भी है मान आ जाएगा आ जाएगा, फिर ऐसे टाल मटोल कर देते, कोई जवाब पक्का नहीं देता सर, 4-5 महीने हो गए बने इसको। मतलब 4-5 महीने से प्रधान जी आपको ना तो उसका पैसा दिला पा रहे हैं ना अभी? नहीं, हमने किसी बोरे से सूद पे पैसा लिया था, वो हमको परेशान करता है कि पैसा दो भाई हमारा, प्रधान चेक हमको देता नहीं है सर। अच्छा इसकी शिकायत आपने कहीं की है? शिकायत प्रधान से ही कही है सर, सेक्टर साहब से भी बोला है हमने, जिलाधिकारी महोदय से भी, हमने ऐप पे एप्लीकेशन लगाई है, वहाँ से आया स्वीकृति हुई नहीं है अभी इसकी कोई एप्लीकेशन की अभी। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें।